प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। प्रॉब्लम्स तो है सब के साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे क्या कर रहे हो? अरे तुमने ये क्या किया है? ऐसा लगता है कि चिड़ियाखाने में कैद हो गया हूँ। चलो निकालो इसको। इसको निकालेगा तो सारा बाबू गिर जाएगा। गिर जाएगा तो क्या मैं अपने घर में कैद रहूँ अगले 5 दिन तक? 5 दिन तक? अरे भाई सुनो, 5 दिन तक। वाह बढ़िया। अरे भाई देखते लग जाएगा किसी को। भाई संभाल के काम करो भाई। अरे अरे ओ भाई सब। अरे भाई कारीगर का डाकू है क्या? जरा संभल का काम करो भाई। देख के चलो, देख के लग जाएगा किसी को। साहब देख के चलो, काम कर अपना। चले जाएंगे। रब्बा तेरा शुक्रिया। ओ गणपति बाबा जी क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात हो रही है। रब्बा वाह जी वाह, मोहब्बत आई मोहब्बत। क्या बात है नया रब्बा। सारा गिर गया सर के ऊपर, कपड़े खराब हो गए मेरे, अभी नहाकर निकला हूं मैं घर से। मेरे हमदम, मेरे साथी, आज भी तुझे हमेशा की तरह मेरी रक्षा करनी। काम करो अपना। चलो भाई काम करो। पाल करते हैं, सारा रास्ता खोल के रख दिया और हमको ऊपर से नीचे ले आया। कोई गल नहीं पिड़ो, तू भी बढ़िया यार, चलो। अरे तिकडचं कोण मारणार, तिकडे मार ना। सकरामजी हरी सोळा भाई। क्या भाई सुबह शाम मुझे रोज याद से सोडा पिला रहे हो? ये है ना गोकुल नाम का वर्ल्ड फेमस सोडा है, मसालेदार सोडा। अरे वो तो मालूम है पर फ्री में क्यों? वो क्या है ना, बाहर मेरे सोडे की दुकान है। अच्छा। वो सोसाइटी में कलर करने के बाद थोड़ा जो कलर बचेगा ना, वो मुझे फ्री में दे देना, वो मैं दुकान पे लगा दूंगा। अच्छा ये बात है,
अरे मैं खुद कलर कर दूंगा आपकी दुकान पे। अच्छा थैंक यू। थोड़ा ख्याल रखना है ना। काम कौन करेगा फोकट में सोना पिलो काम कर। अरे भैया एक मिनट रुक जाओ जरा। पता नहीं कलर का काम कब पूरा होगा। हाँ बाबा आए जोनी ठंडी में भी घर से छतरी लेकर निकलना पड़ता है। रोशन भाभी कोमल भाभी छतरी लिए बगैर निकलोगे ना तो चेहरे के साथ साथ कपड़ों पर भी ये पाउडर मेकअप पोत देगा और ऊपर से खांसी और तबीयत खराब होगी। और लोग चलो अब चलते हैं। चलो वैसे ही रहने बेटे। इसमें बिस्किट है और छोटा छोटा कप है और इसमें चाय है। सबको बराबर देना। ओके मम्मी। और अगर कम गिरे ना तो वापस आना। चाय पूरी है। अंकल खींचो। अरे अंकल। थैंक यू। वेलकम अंकल। पप्पू उस थैली में से एक बिस्किट का पैकेट मैंने पहले से मेरे जेब में रख दिया था। अरे बिस्किट का पैकेट कहाँ गया? अरे उसे मैंने पहले ही उस थैली में वापस रख दिया। चलो। अच्छा सुनो। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और कितने दिन चलेगा ये सब? ये पढ़ाई है माधुरी, जिंदगी भर चले तो भी कम है। कितने दिन चलेगा ये सब का क्या मतलब है? कलर काम के बारे में बोल रही हूँ मैं। तो परेशान हो गई हूँ। पूरा दिन दरवाजे खिड़की बंद और पापड़ सुखाने का प्रॉब्लम है वो अलग। माधुरी भी थोड़े दिन बर्दाश्त करना पड़ेगा हमें। नमस्कार भिड़े साहब। नमस्कार वहिनी। यावे सखराम साहब। बोला क्या बात है साहब? अब घिसाई का काम पूरा हो गया। क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश। कल से कलर का काम शुरू करना है। हाँ बिल्कुल करो। गोकुलधाम को मस्त है कि कलर मार के एकदम चकाचक कर दो। चकाचक करने के लिए साहब कलर की जरूरत है? हाँ बिल्कुल। तो 1,60,000 रुपए दीजिए। वो कोटेशन में मैंने लिखा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ क्रैक फिलिंग प्लास्टर का 90,000 दिया इसका इतना 1,20,000 लेबर वर्क। ओहो सकाराम धीरे धीरे हमने तुम्हें 2,50,000 रुपए दे दिए। साहब अभी काम भी तो उतना हुआ है ना। नहीं बात सही है लेकिन अभी सोसाइटी फंड में सिर्फ 50,000 रुपए बाकी है। क्या 50,000? साहब 50,000 में कलर कैसे आएगा? अगर पैसा नहीं है तो फिर मैं काम। अरे नहीं सखाराम, वो जेठाल ने बोला नहीं था कि जहाँ भी काम रुक जाएगा वहाँ पे मैं बैठा हूँ करके? कभी। अरे हाँ तुम नहीं थे उस मीटिंग में। ये नहीं था उस मीटिंग में। मैं तुम्हें जेठाल से पैसे दिलवा देता हूँ। चलो माधी मैं आता हूँ। आहो मेहता साहब को भी बुला लीजिएगा। हाँ बेटे कुछ प्रॉब्लम, कुछ खास बात, क्यों बुलाया हमें ऐसे? प्रॉब्लम तो है ही मेहता साहब। जेठालाल अभी कल से सोसाइटी में पेंटिंग शुरू हो जाएगी। हाँ तो करो, उसमें मेरे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। परमिशन की बात नहीं है जेठालाल, तुमने बोला था ना सबके सामने कि तुम काम शुरू कर दो, जहाँ भी अटक जाएगा मैं बैठा हूँ। तो अभी काम अटक गया है। अटक गया मतलब बेड़े क्या हो गया? पैसा मेहता साहब, अभी इसको हमें कलर लाने के लिए 1,60,000 रुपए देने और सोसाइटी के फंड में सिर्फ 50,000 रुपए बचे जो बाद में मुझे इसका हिसाब क्लियर करने में लगेंगे। तो जेठालाल अभी तुम कलर के 1,60,000 रुपए दे दो। 1,60,000? देखो जेठालाल तुमने सबके सामने बोला है, अभी मना मत करना। अरे मना कहां कर रहा है जेठालाल, पहले बात तो समझ लो क्या कहना चाह रहा है वो। तो भाई सखाराम कलर कितने का आएगा? साहब कोटेशन में लिख कर दिया था ना 1,60,000 होगा। कुछ कम नहीं होगा? अरे क्या साहब इसमें क्या कम होगा, ये तो सेवा है। आपसे पैसे लेकर दुकानदार को देकर कलर लाना है साहब, इसमें मेरा कुछ नहीं। अच्छा तो ठीक है, तुम रहना दो, ये सेवा का मौका हमको दो, हम कलर लेके आएंगे। क्या जेठालाल तुम कलर लाओगे? हाँ?
नहीं आप कैसे लाओगी? दुकान में जाके। अरे मतलब, अरे सखाराम तुमने कहा ना कि ये तो सेवा का काम है, तो कलर तुम ला के दो या हम, क्या फर्क पड़ता है? अरे पर साहब ये हमारा काम है ना। वही तुम्हारा काम हम करके दे रहे तो तुम्हें हमको बोलना चाहिए थैंक यू। बोलो थैंक यू। अरे क्या थैंक यू बड़े साहब, ये तो चीटिंग है। आपने मुझे पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो कलर तो मैं ही लाऊंगा ना, आप पैसा दे दो सिर्फ। हाँ हाँ, अरे जेठालाल ये क्या नया नाटक है भाई, अभी तुम क्यों कलर लाना चाहते हो? हमने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ना, वो भी कलर के साथ। हाँ नहीं ना भाई, कलर तो मैं ही दूंगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप कलर लाने के लिए इतनी जिद क्यों कर रहे हैं। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जेठालाल के पास कलर है। अच्छा जेठालाल, कितने मतलबी इंसान हो तुम। तुम्हारे पास कलर है इसलिए तुम सोसाइटी को कलर करवाना चाहते हो भिड़े। अरे इसकी नियत भी खोट है मेहता साहब। अरे क्या नियत में खोट है भिड़े, बात तो समझने की कोशिश करो। अरे जेठालाल के पास तो कलर कुछ दिन पहले आया है और हमें सोसाइटी में कलर कराना ये बात कितने दिन से चल रही है। सोसाइटी को कलर कराना ये बात हुई थी कि नहीं? नहीं हुई थी मेहता साहब। एग्जैक्टली, तो अब सोसाइटी को कलर की जरूरत है, जेठालाल के पास कलर है। अब जेठालाल कलर के 1.5 लाख रुपए दे या कलर दे, बात तो एक ही है ना। बिल्कुल बराबर बोल रहे मेहता साहब। और मेन बात भिड़े, मेरे पास A1 क्वालिटी का कलर है। फिर तो फिर पहले बताया क्यों नहीं? अरे भाई अभी बता रहे तो भी तू नहीं मान रहा है, तो पहले बताया होता तो भी मानता क्या? लेकिन फिर भी ये गलत है। हाँ गलत है। अच्छा 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 ठीक, एक मिनट बैठो बैठो बैठो, चलो भूल जाओ, भूल जाओ कि मेरे पास कलर है और मैं कलर तुमको दे रहा हूँ। भूल जाओ, मैं तुमको रोकड़ा 1.5 लाख रुपए देता हूँ, लेकिन भीड़ है तुम इसको बोलो कि 1.5 लाख में वो शाइनिंग कंपनी का कलर ला के दे। तो उसमें क्या है, लाकर दे देगा? अरे क्या बोल रहे हो, लाकर देगा? अरे वो तो बहुत महंगा है, उसका बजट तो 2.5 लाख होगा। मतलब 1 लाख रुपए ज्यादा? हाँ एग्जैक्टली, और वो 2.5 लाख रुपए का शाइनिंग कंपनी का कलर जेठालाल 1.5 लाख रुपए में दे रहा है। अच्छा लेकिन जेठालाल अभी तुम्हें देने के लिए सोसाइटी के पास 1.5 लाख रुपया नहीं है। अरे भाई किसने मांगा? मैंने मांगा, जब भी सोसाइटी के पास फंड आए तभी मुझे देना। अब बोलो भिड़े, अब कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट भाई साहब, मुझे प्रॉब्लम है। आपने मुझे कलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो अगर आप कलर दोगे तो मेरा नुकसान है। भाई हम कलर ला के दे रहे हैं, उसमें तुम्हारा नुकसान कैसे हो गया सखाराम? हाँ नहीं मतलब दुकानदार को मैंने जबान दी है ना, अगर उनसे अगर हम कलर नहीं लेते तो फिर बाद में प्रॉब्लम तो हमारा रोज का है ना बड़े साहब, प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे भाई तो वो कलर तुम्हारा किसी दूसरे काम में काम आ जाएगा, तुम्हारा तो रोज ये काम चलते ही रहता है ना। नहीं साहब ऐसा नहीं होता बड़े साहब, आप बोलिए ना उनको। अरे वो बराबर बोल रहे हैं सखाराम। हाँ अगर 1 लाख रुपया बच रहा है तो सेक्रेटरी होने के नाते मैं तो सोसाइटी का फायदा ही देखूंगा ना। तू बस जेठालाल तुम कलर लाके दो, कल सुबह ही लाके देता हूँ मैं कलर। तो बस कल कलर आते ही तुम अपना काम शुरू कर दो। ठीक है हाँ। चलो बस चले। ओके हो गया, ये काम निपट गया, बहुत अच्छा। हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया। अभी देखो मैं कैसा कलर करता हूँ सोसाइटी का। नट्टू काका बिल्कुल फिकर मत करो, मैं सेठ जी का और दुकान का बराबर ख्याल रखता हूँ। हाँ ठीक है। बागा, बागा चल फटाफट उठा, चल फटाफट उठा जल्दी ये। अरे भाई ये क्या उठा रहे तू? तो क्या उठाना है? वो रख इधर, ये कलर का डिब्बे उठा और मैं जहाँ रहता हूँ गोकुलधाम सोसाइटी वहाँ सब छोड़ के। अरे वाह, आप गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हो? पता है तुझे? नहीं। ठीक है तो मैं तुझे पता देता हूँ, एड्रेस देता हूँ अंग्रेज। थैंक यू। अच्छा ये सब डिब्बे आपके घर पे ही पहुँचाने हैं? नहीं भाई नहीं, वो हमारे सोसाइटी का सेक्रेटरी है आत्माराम तुकाराम भिड़े। तो इन तीनों में से किसके हाथ में देना है? अरे तीनों एक ही है भाई, तू खाली इधर से लेके जा, मैं भिड़े को फोन कर दूंगा, वो तेरा स्वागत करने के लिए उधर खड़ा होगा। हा? लेकिन तू अभी एक भी सवाल मत कर प्लीज। प्लीज प्लीज आप मुझे प्लीज मत बोलिए प्लीज। इसके पहले कि मैं प्लीज बोलना छोड़ दूं, तू निकल। ए भाई ए कहां जा रहे? आप ही ने तो बोला निकल। अरे निकल मतलब गेट आउट वाला निकल, नहीं भाई ये कलर के डिब्बे लेकर निकल। दादा
सखरम, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जो सी विंग का सेकंड फ्लोर है ना, वहाँ पर ऐसे तीन चार हाथ थोड़े में ज्यादा मारने पड़े। पोपटलाल, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो लो आ गया कलर, चलो भाई। बस 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 शाइनिंग पेंट। अरे जेठालाल ने वाकई अच्छा कलर भेजा है। मैंने दो तीन जगह इंक्वायरी की थी, सबने कहा कि ये A1 कलर है। तुम तीनों में से कलर वाले तुम ही हो? ये मैं महान पत्रकार पोपटलाल हूँ। वो तो जैसी जिसकी सोच। सोच भाई, मैं हूँ पत्रकार पोपटलाल, इस सोसाइटी का माननीय सदस्य। भीड़े कुछ बोलो, इसको कुछ बोलो। हाँ हाँ बोलता हूँ, तुम्हें जेठालाल ने भेजा है ना? हाँ। कलर वाला किधर है? हाँ बुलाता हूँ। अरे भाई सकराम जरा इकड़े ना। ओ सकराम जरा यहाँ आना प्लीज। आओ भाई। क्या है भाई? हाँ भाई ये हमारा A1 कलर आ गया है। हाँ। अभी इसको रखना का है? अभी आपका कलर है, इधर भी रखो। अरे भाई लेकिन कलर करना तो तुमको है ना, तुम अपने कब्जे में ले लो ताकि हमारा काम खत्म हो। हाँ। कारीगर को तो आने दो ना, अभी किधर भी रखो। किधर भी रखो, अजीब आदमी है। कौन? नहीं कहने, मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग सोसाइटी के ऑफिस में रख देते हैं कलर, बाद में जिसको जैसे चाहिए वैसे निकाल लेंगे। हाँ बार हम यह ठीक रहेगा, सोसाइटी के ऑफिस में ये सारा कलर का डब्बा रखवा। हाँ भाई अंदर रख दो। ए, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम नहीं है, हटो। क्या? भीड़े भाई हटो वहां से ताकि मैं मदद कर सकूं उसकी। चलो भाई चलो। भाई बहुत वजन है, आराम से आराम से। अरे उतरो। अरे उतरना मत, पैर में लगेगा। अरे वाह पोपटलाल, मदद करने को कहा और तुमने खुद ही कलर का डब्बा उठा लिया। अरे क्या उठा लिया, इसने खुद रख दिया मेरे कंधे के ऊपर। भाई यार साहब अभी उतारने में मदद करो। मैं करता हूँ एक मिनट, मैं ये उतार। संभल के। क्या कर रहे हो, नीचे रखो ना उसको। एक काम करो भाई, बाकी क्या सारे डब्बे तुम रख दो। समझ गया। हाँ सकराम अभी कलर आ गया है तो जल्दी से काम शुरू करो, ये काम तो तुम्हारा ही है ना। कारीगर का फोन था, बोले बोले कल से काम स्टार्ट करेंगे। कल से? हाँ मतलब आज काम बंद। अरे सकराम ये बाबू का रोज का 5,000 का भाड़ा जा रहा है। साहब कारीगर कल से काम शुरू करने के लिए बोल रहे, रात भर उन्होंने दूसरी जगह पे काम किया था। एक दिन चला लो ना। अब चलाना ही पड़ेगा ना, लेकिन सुनो कल से काम शुरू करवा देना तुम। देखते जेठालाल, मुझे तुम कमाने नहीं दोगे? अरे हमारी कमाई माल के कमीशन में तो ज्यादा होती है। अब देखना, तुम लोगों ने मेरा गेम किया है ना, तो अब मेरा गेम देखना, पूरे गोकुल धाम को क्लीन बोल्ड कर दूंगा। मेरा नाम सखाराम नार्वेकर है, पूरी गोकुल धाम को नचवाऊंगा। दोस्तों दुनिया का कोई भी शोध, दुनिया का कोई भी रिसर्च ये कभी तय नहीं कर सकता कि इंसान के दिमाग में किस वक्त कौन सा ख्याल आ जाए, कौन सा विचार आ जाए। ठीक वैसी स्थिति इस वक्त सखाराम के दिमाग की है। कौन सा ख्याल, कौन सा विचार अचानक उत्पन्न हो गया जो ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं, लेकिन इस वक्त स्थितियां ये बता रही है कि सखाराम के दिमाग में कुछ ऐसा ख्याल है, कोई ऐसी चाल जिससे पता नहीं क्या होने वाला है। आपको क्या लगता है कि क्या चाल होगी सखाराम की, क्या करने वाला है वो? सखाराम के दिमाग में ऐसा क्या आया कि उसकी आंखों में चमक आ गई है? दोस्तों आपको कोई अंदेशा है कि सखाराम के शातिर दिमाग में क्या होने वाला है? मुझे नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। आपको क्या लगता है कि सखाराम को एक ऐसी बाउंसर बॉल फेंकने वाला है जो गोकुलधाम निवासियों को हतप्रभ कर देगी? अब देखना यह है कि इस बाउंसर बॉल को हुक करके गोकुलधाम निवासी बाउंड्री लाइन के बाहर भेज देते हैं या खुद इंजर्ड हो जाते हैं। भाई हंगामे शब्द की भी गुंजाइश मुझे कम लग रही है, क्योंकि सखाराम जो सोच रहे हैं, जो हमें नहीं पता कि क्या सोच रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर करने वाले हैं।
हैं और वो क्या होगा, गोकुलधाम सोसाइटी में कोई छोटी चीज भी होती है तो बड़े हंगामे हो जाते हैं। और जब सखाराम ने ये तय कर लिया है कि वो कुछ करने वाले हैं, अब क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, तो आपको पता ही है ना, गोकुलधाम सोसाइटी में। बस बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और इतने हंगामे होंगे कि आप हंसते हंसते पेट पकड़ लेंगे। बस देखते रहिए कि सखाराम क्या करता। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।